चलिए, नेक्स्ट जीएस का साइंस का लेक्चर नंबर 5 है और शुरुआत करेंगे हम लोग एबोनाइट से। तो खाना बनाने के बर्तनों जैसे प्रेशर कुकर आदि में लकड़ी या एबोनाइट के हैंडल लगाए जाते हैं, क्योंकि लकड़ी या एबोनाइट ऊष्मा के कुचालक होते हैं। एबोनाइट मजबूत पदार्थ होता है। लिखिएगा, खाना बनाने के बर्तनों जैसे जैसे प्रेशर कुकर आदि में लकड़ी या एबोनाइट के हैंडल लगाए जाते हैं। लकड़ी या एबोनाइट के हैंडल लगाए जाते हैं क्योंकि लकड़ी या एबोनाइट क्योंकि लकड़ी या एबोनाइट ऊष्मा के कुचालक होते हैं। ऊष्मा के कुचालक होते हैं। एबोनाइट मजबूत पदार्थ होता है। एबोनाइट मजबूत पदार्थ होता है। मजबूत पदार्थ होता है। नेक्स्ट है, देखिए, जब किसी बोतल में पानी भरा जाता है और उसे जमने दिया जाता है तो बोतल टूट जाती है। उसके पीछे का रीज़न क्या है? जब किसी बोतल में पानी भरा जाता है तो उसमें बर्फ़ के जमने पर बोतल टूट जाती है। 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर जब पानी बर्फ़ के रूप में परिवर्तित होता है या जमता है तो उसका आयतन बढ़ जाता है और इसीलिए आंतरिक दबाव सीमा के अधिक होने पर बोतल जो है वो टूट जाती है। लिखिएगा, जब किसी बोतल में पानी भरा जाता है और उसे जमने दिया जाता है तो बोतल टूट जाती है क्योंकि क्योंकि पानी जमने पर फैलता है पानी जमने पर फैलता है। नेक्स्ट है, शीत प्रकोष्ठ के बारे में बात करें तो शीत प्रकोष्ठ में भंडारित फल जो है अधिक समय तक चलते हैं। रीजन ये है कि श्वसन की दर जो है वो घटा दी जाती है। लिखिएगा, भंडारित फल अधिक समय तक चलते हैं क्योंकि श्वसन की दर घटा दी जाती है नेक्स्ट है, रेफ्रिजरेटर के दरवाजे को अगर खुला रख दिया जाए तो जैसे सभी लोग बचपन में सोचते हैं इस चीज़ के बारे में कि रेफ्रिजरेटर में अगर कोई सामान रखे हैं और वो ठंडा हो जाता है तो शायद इसका अगर गेट खोल दिया जाए तो रूम भी ठंडा हो जाएगा, ऐसा मैं तो सोचता था फिलहाल। तो अगर बाकी लोग भी बचपन में ऐसा सोचते रहे होंगे तो इस तरह से चीज़ें नहीं होती। रेफ्रिजरेटर का जो दरवाज़ा है खुला रखने पर उसमें से अनेक प्रकार की गैसें निकलती हैं जो कमरे के तापमान को बढ़ा देती हैं। लिखिएगा यदि, या फिर ऐसे लिखिएगा, रेफ्रिजरेटर का दरवाज़ा खुला रखने पर उसमें से अनेक प्रकार की गैसें निकलती हैं जो कमरे के तापमान को बढ़ा देती हैं तरंग गति के बारे में बात करें तो तरंग किसी माध्यम में उत्पन्न विक्षोभ है जो उद्गम बिंदु से माध्यम के कणों के वास्तविक स्थानांतरण के बिना सभी दिशाओं में संचारित होता है या संचरित होता है। तरंगों को मुख्यतः दो पार्ट्स में डिवाइड किया जा सकता है, यांत्रिक तरंगे और विद्युत चुंबकीय तरंगे। यांत्रिक तरंगे क्या होती हैं? यांत्रिक तरंगे किसी भौतिक माध्यम में उत्पन्न वह विक्षोभ है जो बिना अपना स्वरूप बदले माध्यम में एक निश्चित चाल से आगे बढ़ता है, और यांत्रिक तरंगें जो हैं किसी भौतिक माध्यम में ही संचारित होती हैं। इसके अलावा यांत्रिक तरंगें द्वारा केवल ऊर्जा तथा संवेग का संचरण होता है, द्रव का इसमें नहीं होता है। जल की तरंगें जो हैं ध्वनि की तरंगें स्प्रिंग की तरंगें इत्यादि यांत्रिक तरंगों के उदाहरण हैं। नेक्स्ट है, यांत्रिक तरंगों के बारे में बात करें तो अनुप्रस्थ तरंगें आती हैं,
चलिए इससे रिलेटेड चीज़ों के बारे में हम लोग लिख लेते हैं। लिखिएगा अनुदैर्ध्य तरंगे, या फिर ऐसे लिखिएगा किसी माध्यम में, किसी माध्यम में यांत्रिक तरंग के संचारित होने पर, किसी माध्यम में यांत्रिक तरंग के संचरित होने पर यदि माध्यम के कण तरंग के संचरण की दिशा के समानांतर कंपन करते हैं तो उस तरंग को अनुदैर्ध्य तरंग कहते हैं। ध्वनि तरंग, इसी में आगे लिख लीजिएगा, ध्वनि तरंग अनुदैर्ध्य तरंग होती है। नेक्स्ट है, एक सितार के बारे में बात करें तो जब दो सर्वसम अनुप्रस्थ प्रगामी जो तरंगे हैं एक सरल रेखा में विपरीत दिशा में चलती हुई अध्यारोपित होती हैं तो माध्यम में जो तरंग बनती है उसे अनुप्रस्थ अप्रगामी तरंग कहते हैं। उदाहरण के लिए स्वर मापी के तार या सितार गिटार के तार। लिखेगा एक सितार में अप्रगामी एवं अनुप्रस्थ प्रकार की ध्वनि तरंगे उत्पन्न होती हैं। आयनोस्फीयर के बारे में बात करें, आयनोस्फीयर आयन मंडल मतलब, तो दीर्घ रेडियो तरंगे पृथ्वी के आयन मंडल या आयनोस्फीयर से प्रवर्तित होती हैं और यह मंडल लगभग 50 से 400 मील की ऊंचाई के मध्य स्थित होती है। यहाँ की हवा जो है विद्युत आवेशित होती है। लिखिएगा दीर्घ रेडियो तरंगी पृथ्वी के आयन मंडल से परावर्तित होती हैं। यह मंडल लगभग 50 से 400 मील की ऊंचाई के मध्य स्थित होता है। यहाँ की हवा विद्युत आवेशित होती है। नेक्स्ट है, कॉस्मिक किरणों के बारे में बात करें तो कॉस्मिक किरणें जो है विद्युत चुंबकीय स्पेक्ट्रम का पार्ट तो नहीं कही जा सकती, ये उच्च ऊर्जा के आवेशित कण हैं जो अंतरिक्ष में लगभग प्रकाश की गति से गमन करते हैं। देखिएगा कॉस्मिक किरणें आवेशित कण होती हैं। ऊष्मा स्थानांतरण के बारे में बात करें तो ऊष्मा स्थानांतरण की तीन विधियां हैं, चालन, संवहन और वितरण। चालन और संवहन को परिवहन के माध्यम रूप से किसी पदार्थ की आवश्यकता होती है। ऊष्मा स्थानांतरण की ये विधियां जो है निर्यात से पृथक दो वस्तुओं के बीच क्रियाशील नहीं हो सकती। ऊष्मा स्थानांतरण की तीसरी विधि जो है विकिरण में किसी माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है। विकिरण द्वारा सूर्य से ऊष्मा निर्यात से होकर पृथ्वी तक पहुँचती है। लिखेगा विकिरण के लिए किसी माध्यम की आवश्यकता नहीं होती, ऐसे लिख लीजिए, विकिरण के लिए किसी माध्यम की आवश्यकता नहीं होती। नेक्स्ट है, एल्बिडो के बारे में बात करें तो वायुमंडल से गुजरते हुए सूर्य की ऊष्मा का कुछ अंश परावर्तित, प्रकीर्णित और अवशोषित हो जाता है, केवल शेष भाग ही पृथ्वी की सतह तक पहुंचता है। सौर विकिरण की इस परिवर्तित मात्रा को पृथ्वी का एल्बिडो कहते हैं। लिखिएगा वापसी की शक्ति एल्बिडो से संबंधित है। नेक्स्ट पॉइंट में लिखिएगा
दीर्घ तरंग स्थली विकिरण के बारे में बात करें तो पृथ्वी पर सौर ऊर्जा का पृथ्वी पर ऊर्जा का जो प्रमुख स्रोत है सूर्य है, और यह ऊर्जा जो है अंतरिक्ष में चारों ओर लघु तरंगों के रूप में विकृत होती रहती है। इस विकृत ऊर्जा को सौर विकिरण कहा जाता है। सौर विकिरण का मात्र 2/3 ही धरातल पर पहुंचता है। लघु तरंगों के रूप में पृथ्वी की ओर से आने वाले सौर विकिरण को सूर्य ताप कहते हैं, आइसोलेशन कहते हैं। सूर्य ताप के द्वारा तप्त होने के पश्चात पृथ्वी ऊष्मा को दीर्घ तरंग रूप में अपने निकट स्थित वायुमंडलीय परतों की ओर संचारित कर देती है। दीर्घ तरंग विकिरण को वायुमंडलीय गैस द्वारा अवशोषित कर लिया जाता है। लिखिएगा, पृथ्वी का वायुमंडल मुख्यतः दीर्घ तरंग स्थलीय विकिरण द्वारा तप्त होता है। नेक्स्ट है, नेक्स्ट पॉइंट में लिखिएगा, एक्स किरणों के बारे में बात करें। लिखिएगा, एक्स किरणों की ऊर्जा अधिकतम होती है। एक्स किरणों की ऊर्जा अधिकतम होती है। रडार के बारे में बात करें, रडार एक ऐसी प्रणाली है जिसमें विद्युत चुंबकीय तरंगों, विशेषता रेडियो तरंगों की सहायता से स्थिर और गतिमान दोनों प्रकार की वस्तुओं की रेंज, ऊंचाई, दिशा और गति का पता लगाया जा सकता है। देखिएगा, एक रडार जो शत्रु के वायुयान की उपस्थिति का पता लगाता है, रेडियो तरंगों का प्रयोग करता है। नेक्स्ट है, नेक्स्ट पॉइंट में लिखिएगा, टेलीविजन के दूरस्थ नियंत्रण के लिए टेलीविजन के दूरस्थ नियंत्रण के लिए अवरक्त नामक विद्युत चुंबकीय विकिरण का उपयोग किया जाता है। नेक्स्ट है, माइक्रोवेव के बारे में बात करें तो दूर संचार में सूक्ष्म तरंगों का प्रयोग होता है, मतलब माइक्रोवेव का प्रयोग होता है। लिखिएगा, दूर संचार में सूक्ष्म तरंगों का या माइक्रोवेव का प्रयोग होता है, माइक्रोवेव का प्रयोग होता है, माइक्रोवेव का प्रयोग होता है। नेक्स्ट है, बरसात में रेडियो तरंगे जो है वर्षा की बूंदों से टकराकर आंशिक रूप से या पूर्णतः ऊष्मीय ऊर्जा में परिवर्तित हो जाती हैं और बूंदों द्वारा अवशोषित कर ली जाती हैं। तो वर्षा की बूंदें जो हैं रेडियो तरंगों की ऊर्जा की मूल दिशा को विचलित करने में सक्षम होती हैं। तो पहले ये होता था कि जो टेलीविजन दर्शक हैं उनको डिश एंटीना का जब प्रयोग करते थे तो बरसात में उपग्रह सिग्नल नहीं प्राप्त होते थे। अभी का जो सिस्टम है वही पूरा अपडेट हो चुका है और मैक्सिमम टीवी जो हैं वो आपके एंड्रॉयड पे चलती हैं, इंटरनेट से चलती हैं। तो अब ये वाला सिस्टम जो है समाप्त हो चुका है। इस रिलेटेड इसी वजह से चीज़ें जो है आनी बंद हो रही हैं धीरे धीरे। आपके इस तरह के क्वेश्चन नहीं पूछे जाते हैं कि टेलीविजन दर्शक जो है डिश एंटीना प्रयुक्त करते हुए बरसात में उपग्रह सिग्नल क्यों नहीं प्राप्त कर पाते हैं। तो एंटीना छोटे होते हैं, वर्षा की बूंदें जो है रेडियो तरंगों की ऊर्जा अवशोषित करती थी, वर्षा की बूंदें जो है रेडियो तरंगों की ऊर्जा की मूल दिशा को विचलित करती थी। यही एक बहुत बड़ा रीज़न था। अभी फिलहाल आते नहीं हैं, हम लोग देखने की आवश्यकता है नहीं। नेक्स्ट है, सिटी स्कैन के बारे में बात करें तो सिटी स्कैन या फिर कंप्यूटेड टोमोग्राफी ये विशेष प्रकार का एक्सरे परीक्षण है जिसके द्वारा शरीर के अंदरूनी अंगों को देखा और रोगों का पता लगाया जाता है। लिखेगा, सिटी स्कैन करने में
सीटी स्कैन करने में एक्सरे किरणों का प्रयोग किया जाता है, एक्सरे किरणों का प्रयोग किया जाता है, सीटी स्कैन करने में एक्सरे किरणों का प्रयोग किया जाता है। और एक्सरे मशीन का आविष्कार विल हेम्स रोंटेजन द्वारा किया गया, विल हेम्स रोंटेजन द्वारा किया गया। अब बात करेंगे ध्वनि के बारे में। तो ध्वनि ऊर्जा का वह रूप है जो श्रवण की संवेदना पैदा करती है। ध्वनि तरंगों के रूप में गमन करती है। ध्वनि जो है कंपायन वस्तुओं से उत्पन्न होती है। पदार्थ जिससे होकर ध्वनि गमन करती है माध्यम कहलाता है। ध्वनि तरंगे यांत्रिक तरंगे कहलाती है क्योंकि उनके संचरण के लिए द्रवात्मक माध्यम आवश्यक होता है, ठोस द्रव गैस आवश्यक होता है। चलिए देखिएगा, ध्वनि का वेग इस्पात में अधिकतम होता है। ध्वनि का वायु में वेग 330 मीटर प्रति सेकंड होता है। ध्वनि का वेग अनुमानतः 330 मीटर प्रति सेकंड होता है। देखिए ध्वनि की जो चाल होगी उस माध्यम की प्रकृति पर डिपेंड करती है जिससे होकर वह गमन करता है। ध्वनि की चाल भिन्न भिन्न माध्यमों में भिन्न भिन्न होती है। गैसों में ध्वनि जो है अत्यंत धीमी गति से चलती है, द्रवों में तीव्र गति से और ठोस में तीव्रतम गति से गमन करती है। ध्वनि निर्वात में गमन नहीं कर सकती है। ध्वनि वायु की अपेक्षा स्टील में लगभग 15 गुना तीव्र गति से गमन करती है और कहा जा सकता है कि ध्वनि का वेग जो है इस्पात में अधिकतम होता है। लिखिएगा, ध्वनि, एक पॉइंट और बढ़ा लीजिएगा, ध्वनि निर्वात में गमन नहीं कर सकती। म्यूजिक जो कंसर्ट होता है उसके बारे में बात करें तो अधिकतर ठोस और कठोर सतहें जो हैं वो ध्वनि को परावर्तित कर देती हैं, जबकि कोमल और नरम जो सतहें हैं वो ध्वनि को अवशोषित कर लेती हैं। यदि म्यूजिक कंसर्ट के लिए निर्मित हॉल की दीवारें ध्वनि को परावर्तित करेंगे तो श्रोताओं को जो प्रतिध्वनि है इको सुनाई पड़ेगी। तो कहा जा सकता है कि प्रतिध्वनि को रोकने के लिए कंसर्ट हॉल की दीवारों और छत जो है नरम पदार्थों जैसे फाइबर ग्लास की बनाई जाती है। लिखने की आवश्यकता नहीं। नेक्स्ट पॉइंट में लिखिएगा, स्पष्ट रूप से प्रतिध्वनि सुनने के लिए परावर्तित सतह और सुनने वाले के मध्य कम से कम 16.5 मीटर की दूरी होनी चाहिए। 16.5 मीटर की दूरी होनी चाहिए। 16.5 मीटर की दूरी होनी चाहिए। आवृत्ति के बारे में बात करें तो किसी उत्सर्जित ध्वनि की आवृत्ति को मस्तिष्क किस प्रकार अनुभव करता है उसे तारत्व कहते हैं, पिच कहते हैं। किसी स्रोत का कंपन जितनी शीघ्रता से होता है आवृत्ति उतनी ही अधिक होती है और उसका तारत्व भी अधिक होता है। इसी प्रकार जिस ध्वनि का तारत्व कम होता है उसकी आवृत्ति भी कम होती है। विभिन्न आकार का तथा आकृति की वस्तुएँ जो है विभिन्न आवृत्तियों के साथ कंपन करती हैं और विभिन्न तारत्व की ध्वनि उत्पन्न करती हैं। लिखिएगा, ध्वनि का एक महत्वपूर्ण अभिलक्षण तारत्व या ब्रैकेट में लिखिएगा पिच है, तारत्व या पिच है जो आवृत्ति पर निर्भर करता है। चंद्रमा के धरातल पर दो व्यक्ति एक दूसरे की बात नहीं सुन सकते, रीजन क्या है? देखिए, ध्वनि तरंगों के संचरण के लिए द्रव्यात्मक माध्यम का होना आवश्यक है, परंतु चंद्रमा पर वायुमंडल होता नहीं है।
तो वहाँ पे द्रवात्मक माध्यम है नहीं, इसीलिए चंद्रमा पर ध्वनि तरंगों का संचरण नहीं हो पाता। और कहा जा सकता है कि चंद्रमा के धरातल पर दो व्यक्ति एक दूसरे की बात नहीं सुन सकते। लिखिएगा, चंद्रमा के धरातल पर दो व्यक्ति एक दूसरे की बात नहीं सुन सकते, दो व्यक्ति एक दूसरे की बात नहीं सुन सकते क्योंकि क्योंकि चंद्रमा पर वायुमंडल नहीं है, क्योंकि चंद्रमा पर वायुमंडल नहीं है। नेक्स्ट है, ध्वनि तरंगे के बारे में बात करें तो ध्वनि तरंगे तीन प्रकार की होती हैं। श्रव्य तरंगे, जिनकी आवृत्ति 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज तक होती है। अवश्रव्य ध्वनि तरंगों की आवृत्ति 20 हर्ट्ज से कम होती है। पराश्रव्य ध्वनि तरंगों की आवृत्ति 20,000 हर्ट्ज से अधिक होती है और मनुष्य की श्रवण क्षमता से परे होती है। इनका उपयोग संकेतक के रूप में कीड़ों को नष्ट करने में, कपड़े से धूल हटाने में, स्वचालित दरवाजों को नियंत्रित करने में, समुद्र में गहराई की नाप लेने में, छिपी वस्तुओं की खोज करने में, द्रव को गर्म करने में तथा जो विविध चिकित्सीय अनुप्रयोग हैं उनके लिए किया जाता है। तो लिखने की आवश्यकता है। लिखेगा, पराश्रव्य वे ध्वनियाँ होती हैं जिनकी आवृत्ति, पराश्रव्य मतलब अल्ट्रासोनिक्स, हिंदी में इंग्लिश में दोनों लिख लीजिएगा। लिखिएगा, पराश्रव्य या अल्ट्रासोनिक्स वे ध्वनियाँ हैं जिनकी आवृत्ति 20,000 हर्ट्ज से अधिक होती है, 20,000 हर्ट्ज से अधिक होती है। देखिए, पराश्रव्य या अल्ट्रासोनिक शब्द उस ध्वनि के लिए प्रयुक्त होता है जिसकी आवृत्ति इतनी अधिक होती है कि वो मनुष्य के कान को सुनाई नहीं देती है। नॉर्मली होता यह है कि मानव श्रवण शक्ति का जो परास है वो 20 से लेकर 20,000 कंपन प्रति सेकंड तक होता है और इसीलिए 20,000 हर्ट्ज से अधिक आवृत्ति वाली ध्वनि को पराश्रव्य कहते हैं। तो पराश्रव्य वे ध्वनियाँ हैं जिनकी आवृत्ति 20,000 हर्ट्ज से अधिक होती है। बस इतना ही लिख लीजिएगा। नेक्स्ट है, गर्भ के भ्रूण के विकास के बारे में बात करें तो गर्भ के भ्रूण के विकास को जानने के लिए अल्ट्रासाउंड तकनीकी के तहत पराध्वनि तरंगों का उपयोग किया जाता है। इस पॉइंट को नोट डाउन कर लीजिएगा। लिखिएगा, गर्भ में भ्रूण के विकास को जानने के लिए अल्ट्रासाउंड तकनीकी के तहत पराध्वनि तरंगों का उपयोग किया जाता है। चमगादड़ के बारे में आपने सुना होगा, चमगादड़ उड़ते समय पराश्रव्य ध्वनि तरंगे उत्पन्न करते हैं और ये ध्वनि तरंगे जो है रडार द्वारा प्रक्षेपित प्रकाश तरंगों की भांति मार्ग के रुकावट से टकराने के बाद उद्गम स्रोत तक लौट आती है। फलता होता यह है कि चमगादड़ अपनी संवेदनशील इंद्रियों से संभावित रुकावट की दिशा और दूरी का अनुमान लगा लेता है। देखिएगा, चमगादड़ अंधेरी रात में उड़ सकते हैं और अपना शिकार भी कर सकते हैं। इसका कारण है कि वे पराश्रव्य ध्वनि तरंगे निकालते हैं और उन्हीं के द्वारा निर्देशित होते हैं। स्टेथोस्कोप के बारे में बात करें, स्टेथोस्कोप में रोगी के दिल की धड़कन की ध्वनि डॉक्टर के कानों तक पहुंचती है और पहुंचने का जो है ध्वनि के बहु परिवर्तन द्वारा ऐसा होता है। लिखिएगा, स्टेथोस्कोप में रोगी की दिल की धड़कन की ध्वनि डॉक्टर के कानों तक पहुंचती है और ये ध्वनि के बहु परिवर्तन द्वारा होता है। डेसिबल के बारे में बात करें तो वातावरण में ध्वनि की तीव्रता स्तर को डेसिबल में मापते हैं।
लेकिन ध्वनि की तीव्रता मापने की इकाई, ध्वनि की तीव्रता मापने की इकाई डेसिबल है, इकाई डेसिबल है। एक डेसिबल बेल का दसवां भाग होता है, एक डेसिबल बेल का दसवां भाग होता है। नेक्स्ट, जब दो लोग आपस में बात करते हैं तो डेसिबल की जो ध्वनि होती है लगभग 30 डेसिबल के आसपास होती है, फुसफुसाहट में करीब 15 से 20, साधारण बातचीत जो है वो करीब 30 से 60 डेसिबल होती है, गुस्से में अगर होता तो 70-80 के आसपास, और जेट विमान वगैरह तो बहुत करते हैं 140-150 के आसपास। नेक्स्ट है, सामान्य परिस्थितियों में वृक्ष के पत्तों की सरसराहट का डेसिबल स्तर लगभग लगभग 20 डेसिबल होता है, लगभग 20 डेसिबल होता है। नेक्स्ट है, और यही बढ़ा लीजिएगा, डब्ल्यूएचओ द्वारा किसी नगर के लिए निर्धारित किया गया, डब्ल्यूएचओ द्वारा किसी नगर के लिए निर्धारित किया गया सुरक्षित ध्वनि प्रदूषण 45 डेसिबल है, 45 डेसिबल है। अब कुछ क्षेत्र लिख लीजिएगा, अनुमानित योग्य शोर स्तर लिख लीजिएगा, क्योंकि अब इस क्षेत्र में लगातार गवर्नमेंट भी काम कर रही है, डब्ल्यूएचओ भी काम कर रहा है, और विश्व के जो अच्छे अच्छे संगठन हैं उनके ऊपर इसलिए काम कर रहे हैं क्योंकि ये बोल सकते हैं कि ध्वनि प्रदूषण से संबंधित है, जिसकी वजह से ज़्यादा फोकस होने लगा है, तो इससे रिलेटेड ऑब्वियसली बात है चीज़ें भी अपडेट होंगी। लिखेगा एक तरफ रखेगा क्षेत्र और एक तरफ रखेगा अनुमति योग्य शोर स्तर। लिखिएगा आवासीय क्षेत्र 55 डीबी, शांत क्षेत्र 50 डीबी, औद्योगिक क्षेत्र 70 डीबी, व्यापारिक क्षेत्र 65 डीबी, नेक्स्ट है 80 डेसिबल से अधिक, नेक्स्ट पॉइंट में लिखिएगा नोट, 80 डेसिबल से अधिक की ध्वनि खतरनाक ध्वनि प्रदूषण कहलाती है, खतरनाक ध्वनि प्रदूषण कहलाती है। नेक्स्ट है ध्वनि की प्रबलता के बारे में बात करें तो ध्वनि की प्रबलता जो है वो आपका आयाम में मापी जाती है। देखिएगा ध्वनि की प्रबलता आयाम से मापी जाती है। नेक्स्ट है आवृत्ति के बारे में बात करें तो ध्वनि एक स्थान से दूसरे स्थान तक तरंगों के रूप में गमन करती है, ध्वनि तरंगे जो हैं अनुदैर्ध्य यांत्रिक तरंगे होती हैं, जब ध्वनि एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है तो ध्वनि की चाल तथा तरंग दैर्ध्य बदल जाती है, जिसकी आवृत्ति नहीं बदलती। लिखिएगा जब एक ध्वनि तरंग एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है तो आवृत्ति अपरिवर्तित रहती है। यहीं पे ध्वनि की मूलभूत इकाई के बारे में लिख लेते हैं, ध्वनि की मूलभूत इकाई जो है वो ध्वनिग्राम है। लिखेगा ध्वनि की मूलभूत इकाई ध्वनिग्राम है। देखिए स्वनेम भाषा अथवा बोली में उच्चारित ध्वनि की लघुत्तम इकाई है, इसके लिए ध्वनिग्राम स्वनग्राम आदि शब्दों का प्रयोग भी होता है। स्वनेम ही वह माध्यम है जिसकी ध्वनियों के मध्य अंतर प्रदर्शित होता है, स्वनेम उच्चारित भाषा से संबंधित है, लिखित भाषा इसका कोई संबंध नहीं होता है। लिखित भाषा में इस प्रकार की इकाई जो है
लिखी होती है, लिखने की आवश्यकता नहीं है कुछ भी इसमें। नेक्स्ट है, नेक्स्ट है, चलो साइंस के लेक्चर नंबर 5 के लिए इतना ही, और चलिए साइंस के लेक्चर नंबर 5 के लिए इतना ही।